गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। टुडे इज 15 जुलाई और आज मेरे लिए एक स्पेशल डे है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो सबसे पहले हम अगरबत्ती वगैरह लगा लेते हैं और उसके बाद मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी से थोड़ा सा बात वगैरह करेंगे और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं घूमने चला जाऊँ। और एक बात आपको बतानी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो सबसे पहले मम्मी के पास जाते हैं और उनसे बात वगैरह कर लेते हैं। तो मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया, तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइज अभी अगरबत्ती वगैरह लगा लेते हैं अल्लाह के पास, इसको पहले जलाया नहीं है। तो मम्मी के पास चलते हैं और मम्मी से बात वगैरह करते हैं। तो मम्मी मेरा बर्थडे आज क्या बोलोगे? बोलो। हैप्पी बर्थडे सुहेल। और क्या बोलूं? आगे बढ़। हाँ। और बहुत तरक्की कर। बहुत बड़ा इंसान बन। थैंक यू। और क्या बना आज खाने में? आज खाने में बैगन आलू। बैगन आलू बना? आलू बैगन। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कहीं बाहर जाऊँगा, लेकिन मैं देखता हूँ क्या होता है। तो क्योंकि बरसात भी आ रही है तो पानी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से कहीं जा भी नहीं सकती, इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ। और एक बात बता दूँ आपको कि ये जो रूम में नहीं किया, लाइट नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब उतना क्लियरिटी नहीं आती कैमरे की। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा लाइट ही चेंज कर दिया, मैंने ये वाला एक लाइट बदला ही दिया वहाँ से। अगर अभी हमारे पास कैमरा नहीं है, गोप्रो नहीं है, तो क्या करेंगे? उसके लिए मैंने सोचा कि मोबाइल जैसे वैसे रहने देते, लाइट ही ला लेते, मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना कैमरा और गोप्रो, तो इसलिए सोचा कि जैसा मोबाइल चल रहा है वैसे चलने देते, बट थोड़ी सी लाइट वगैरह चेंज कर देते जिससे कि अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। तो बस इतना ही था। ये वाला लाइट लाया था मैंने जो मेरे को पड़ा 225 में, अब इतना ही मैं ले सकता हूँ, इसके ऊपर तो कुछ ले नहीं सकता। मोबाइल तो लेना चाहता ही नहीं मैं अभी, तो उसको बाद में लूँगा। तो मैंने यही चेंज कर दिया फिर और ये न्यू लाइट यहाँ पर लगा दिया जिससे क्लियरिटी वगैरह मतलब अच्छी आ रही है, लाइट ज़्यादा आ रहा है, फोकस अच्छे से हो रहा है, वाइड एंगल नहीं मेरे मोबाइल का लेकिन अच्छे से क्लियरिटी आ रही है, तो जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखते अब क्या बोले। गारंटी वाला लाइट है ना? हाँ गारंटी वाला। अंकल ने बोले कि मोबाइल मतलब ये मेरे पास लाना, अगर उतना ज़्यादा उजाला नहीं दिया ठीक है तो वापस लाना, अगर अच्छा उजाला दिया तो उस पर मैं वारंटी वगैरह लिख के दूंगा बोले। तो फिर अभी लेके जाना वापस? लेके जाता हूँ, नहीं अच्छा उजाला दे रहा है ना इसलिए मैं लेके जाऊंगा। तो वारंटी का? हाँ वारंटी लिख के आऊंगा उसके ऊपर। ये लेके चले जाना डब्बा। ठीक है डब्बा लेके जाना। ठीक है। वैसे तो मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह करता नहीं, लेकिन छोटा सा कुछ चॉकलेट वगैरह ले लूँगा जिससे मतलब मुँह मिठा हो जाएगा मेरा। तो बस ये था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाना वगैरह खा लेते हैं, देखते क्या बना है खाने में। तो हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया कि आज मेरा बर्थडे है, तो आज मेरे को मतलब 20 साल कंप्लीट हुए और 21 रनिंग है, तो एक दिन कम हुआ लेकिन तो भी खाना वगैरह खा लेते हैं। तो मैं आपको खाने में बताता हूँ क्या है। हमारे घर में ज़्यादा कुछ स्पेशल बनता नहीं, हम ऐसे ही खाते हैं बैंगन की सब्ज़ी और सादा चावल, तो उतना कुछ स्पेशल बना नहीं मेरे बर्थडे के दिन क्योंकि मैं उतना सेलिब्रेट करता नहीं मेरे बर्थडे, तो बस सिंपल सा खाना खा लेते हैं और अच्छे से। मम्मी बोल रहे हैं कि मेरे लिए गुलाब जामुन बनाएंगे शाम में, मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं गुलाब जामुन लेकिन मम्मी बना रहे तो बहुत अच्छे बनाएंगे। थैंक यू मम्मी। मम्मी थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू। तो गाइस खाना वगैरह खा लेते हैं और कहीं देखता बाहर घूमने जाने के जमता है तो चलते। तो खाना वगैरह हो चुका है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3 रूम है ठीक है, ये दूसरी और ये लास्ट किचन और ये पहली। और जब भी मुझे मतलब मोबाइल पकड़ना रहा तो ये कैसे पकड़ूँ, तो मैं अपनी मम्मी को बुलाता हूँ और मम्मी प्लीज़ स्टैंड पकड़ो और प्लीज़ शूट करो। तो मेरे पास ना छोटा भाई है और ना मतलब कोई बहन, हम सब बड़े बड़े हो गए तो सब अपने अपने काम पर अभी चले गए। तो बस बताने का मोटो ये है कि अगर मैं ब्लॉग भी करूँ तो बस ये 3 ही रूम में ब्लॉग कर सकता हूँ, इसके आगे अगर चला गया तो सीधा रोड है, तो ऐसा ब्लॉग करने में भी क्या। तो मेरा कंटेंट सिर्फ घर में रहेगा और मेरी मम्मी रहेंगी मेरा कंटेंट, मतलब मेरी मम्मी मेरे वीडियो में आ रही है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो देख सक रही है मतलब देख पाती है कि वो भी सीखती है ना कि कितने अच्छे से वीडियो हो पाता है और कैसे होता है। और ये अभी भी मतलब मेरा लर्निंग है, मैं अभी सीख ही रहा हूँ धीरे धीरे। तो बस मोटो यही था कि मेरा कंटेंट वही 3 रूम का और मेरी मम्मी, इसके सिवा कुछ नहीं रहेगा। हाँ कभी कभी मैं बाहर घूम सकता हूँ, कभी कभी ट्रैवल कर सकता हूँ, वो मेरे लिए एडवांटेज है कि इधर देखने के लिए अच्छे अच्छे एरियाज़ हैं, मतलब गाँव है तो छोटे छोटे मतलब डैम रहेंगे कहीं, मतलब ये जंगल का एरिया रहेगा, तो एडवांटेज है। बस इतना ही आपको बताना था।
तो गाइज आज हम इधर फॉरेस्ट के एक रिजॉर्ट की तरफ आए जो ऊपर मतलब पहाड़ की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ का मस्त व्यू है। अभी जो आप देख रहे होंगे पीछे मस्त झाड़ वगैरह है, तो मैं आपका सामने का ये दिखाता हूँ एरिया। तो इस रास्ते से हमें सीधा सीधा जाना है, तो ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आज मैंने आपको बोला था कि मैं कहीं घूमने निकलूँगा, तो अभी घूमने जा रहे हैं, जो अभी बस पास में ही थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। तो गाइस आज मैं अपने दोस्तों को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो आकाश, हम साथ में ही रहते बचपन से, और ये गौरव, हम तीनों जन साथ में आए हैं व्यू देखने, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, चलो। तो गाइस हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। अभी आकाश एक झाड़ है ये वाला जिस पर एक इंसेक्ट बैठता है, मतलब उसे सोनूली कहते हैं हमारे इधर महाराष्ट्र के एरिया में, तो आकाश बस उसी को पकड़ रहा है। वो ज़्यादा हार्म उसे करना नहीं है हमें, लेकिन ये बचपन में सभी लोग पकड़ते थे। तो ये सोनूली का वो झाड़ है जिस पर अभी उठ रही है, मैं आपको दिखाता थोड़ी देर में। आकाश मिला क्या? तो गाइस आकाश ने अभी वो छोटा सा इंसेक्ट पकड़ा है, हम इसे हार्म नहीं करेंगे, हम इसे छोड़ भी देंगे बाद में, तो आपको दिखाते हैं। दिखा, तो ये गाइस ऐसा छोटा सा कीड़ा है, मैं आपको इसके पास से दिखाता हूँ। दिखा आकाश पास, जो मोर का पंख रहता है ना बिल्कुल सेम ऐसा ही है, दिख रहा है ये, बहुत मस्त कलर है इसका। छोड़ देते ना अभी। हाँ तो अभी आकाश इसे छोड़ देगा। आकाश छोड़ दे इसे। उड़ गई। तो गाइस इसे हमने उड़ा दिया। अभी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, जहाँ यहाँ पर से हमको सब दिखता है, इधर का व्यू वगैरह, टॉप व्यू, कुछ ऐसा व्यू दिखता है इधर का जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर चलते, मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अभी अपनी चप्पल्स वगैरह निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग सुबह सुबह आते हैं और यहाँ पर योगा व्यायाम वगैरह करते, तो अच्छा नहीं रहेगा चप्पल पहन कर आना। लोग यहाँ पर मतलब योगा करने आते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं और कुछ आंटियाँ वगैरह रहती हैं, तो वो सभी लोग यहाँ पर योगा करते हैं और व्यायाम वगैरह भी करते हैं। तो हमने सोचा कि हम चप्पल पहन कर नहीं आएंगे ऊपर, तो मैं आपको व्यू वगैरह दिखाता हूँ इधर का, बहुत मस्त व्यू है। कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ दिख रहा हूँ आपको। ये हमारी इधर कॉलोनी है और हमारा घर इधर ये साइड में उधर, तो ये एक बहुत मस्त व्यू है इधर। ये साइड में भी व्यू है, लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि ये झाड़ वगैरह आए हैं, तो इस रीजन से उधर का व्यू ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो गाइस आकाश अभी स्टंट करके दिखाएगा, करके दिखा स्टंट। हाँ इस साइड क्या बोला? इस साइड में जाइए। ठीक है, यहाँ पर हूँ क्या मैं? थोड़ा करके दिखा स्टंट। तो गाइस अभी आकाश स्टंट करके दिखाएगा। ओ भाई साहब, मैं भी एक टूटी बूटी करके जाता। टूटी बूटी तू जाएंगी? अरे भाई साहब गिर गया। बचपन में हम यहाँ पर आया करते थे, लेकिन पहले ये बना नहीं था, ये वाला जो इसे कुछ तो भी कहते हैं पता नहीं, लेकिन ये पहले बना हुआ नहीं था, लेकिन अभी अभी बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह सुबह टहलने आते हैं, तो उनको योगा करने के लिए, उनको व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो ये चाहिए। तो ये बहुत अच्छा बना है, मस्त नेचर भी बढ़िया है, जिससे ऑक्सीजन वगैरह भी उन्हें मिलती रहेंगी अच्छे से। तो हम भी यहाँ पर आ गए, मेरा बर्थडे है, तो सोचा कि ज़्यादा दूर ना जाते कहीं, क्योंकि बरसात का बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा है, तो यहीं पर आते और घूमते। पार्टी नहीं दे रहा, लेकिन ये पार्टी नहीं दे रहा ये हमको। ओह माय गॉड। तो गाइस अभी चलते हैं घर के तरफ, यहाँ पर हो गया बहुत सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेशन किए नहीं हमने, लेकिन बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर, क्योंकि हमने बचपन में इधर भी एक इन्जॉय किया था, इन्जॉयमेंट किया था। तो गाइस अभी चलते हैं अभी घर के तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई इधर, क्योंकि घर में भी जाना है, तो चलते गाइस। बाप रे, वेल्डन को सीखना है, लेकिन सीखना वो, इसको सिखाऊंगा जरूर, लेकिन वो डरेगा वो, लेकिन डर तो सभी को लगता है, मेरे को भी लगता है ना। ये देख वो। तो गाइस बहुत मस्त ये वाला रोड है, रोड से अब जाएंगे पास में, ये गाड़ियाँ वहीं पर ही हमने पार्क की है। चिड़ियों का आवाज यहाँ पे मस्त शोर सुनाई देता है, चिड़ियों का, और इधर पोपट भी बैठे रहते ना, वो पैरोट्स भी बैठे रहते इधर, एनवायरनमेंट भी, झाड़ के अंदर ऐसा छोटा सा गड्ढा करते हैं और वहीं पर ही उनका घर बना देते। ये साइड में रहते, वो नीचे साइड में रहते। हाँ इधर ये वाले साइड में रहते हैं ना, ये वाले साइड में। तो ये रिजॉर्ट है गाइस, ये
इधर ऊपर जहाँ पर हम अभी गए ये उधर का है एरिया, तो अभी गाड़ियाँ के पास वगैरह हम आ गए, अब चलते इस रास्ते से सीधा घर। तो हे गाइस, अभी इवनिंग के हो रहे 7:14 और मैं अभी फ़िलहाल बैठा हूँ घर पर। बाहर से मैं थोड़ी देर में पहले ही आया था क्योंकि मैं क्रिकेट वगैरह खेल रहा था छोटे बच्चों के साथ। जब हम उधर पहाड़ी से रिटर्न आए तो सीधा हमने क्रिकेट वगैरह खेले क्योंकि आज मेरा बर्थडे था, तो सोचा अच्छे से थोड़ा इन्जॉय वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर उतना ज़्यादा इन्जॉय करने मिलता नहीं। तो सीन ऐसा है कि सुबह सुबह जो आपने देखा वीडियो में, मैंने बल्ब वगैरह चेंज किया क्योंकि कैमरे की क्लियरिटी उतनी अच्छी है नहीं और वीडियो की मेरे को क्लियरिटी और अच्छी चाहिए, इसलिए मैंने वो दो बल्ब चेंज करवाया और उससे क्लियरिटी वगैरह अभी थोड़ी अच्छी आ रही है। तो ऐसा है कि शाम का भी समय हो रहा है और मम्मी ने मेरे लिए पैकेट है वो मेरे को बुलाया था, तो ये हम घर में बना रहे हैं क्योंकि सेलिब्रेट वगैरह मुझे अपना बर्थडे नहीं करना क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस ऐसा है कि अभी देखते चल के मम्मी गुलाब जामुन का वो बना रही है, तो चलते अभी। यहाँ पर उतना ज़्यादा मतलब उजाला नहीं है, ये छोटे छोटे अभी मम्मी बना रही है गुलाब जामुन। ये अभी चाशनी तैयार हो रही है और ये छोटे 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 मस्त बना रही है। ये मैं खा भी लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सही लगता है मम्मी। गाइस ये आप एक बार खा लेना, आप बहुत सही लगता है, बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा। तो अभी पापा के लिए चाय बन रही है, पापा जब ड्यूटी से रिटर्न आते हैं तो उनके लिए चाय बनती है। और अभी चाशनी वगैरह हो रही है, मम्मी वगैरह बना रही है मम्मी। तो बस सीन इतना ही था, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। लाइट देखो, लाइट मतलब वो बल्ब अपने आप ही बंद हो गया। तो आपने देखा अभी मम्मी मेरे लिए छोटे छोटे गुलाब जामुन वगैरह बना रही है, तो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए मैं उतना ज़्यादा मतलब उतने अच्छे तरीके से बात वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस सीन ऐसा है कि ये जो वीडियो में भी शूट करो ये सुबह सुबह का टाइम है, कल मैंने ब्लॉग एंडिंग किया था लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हो गया इसलिए मैं उतना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो मैं अभी शूट कर रहा हूँ मतलब लास्ट एंडिंग का। ये बोलना चाहता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे एक हेल्प होंगी हमारी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।